इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में बहुत बार सुने हैं। ना जाने बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा भी होती है, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है, कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा फल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर वो फल मिल ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा ना कर, निर्णय कर, और फिर निश्चित सब कुछ मिलेगा। तो प्रेम से बोलो राधे। इनका यहाँ पे थोड़ा सा साफ सफाई चल रहा है, क्योंकि ये बाहर से घूम के आए हैं। तो चलो फिर इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड वेलकम बैक टू स्टबर्न ब्लॉग्स 0.2। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप लोग का स्टडी बहुत अच्छे से। स्टडी करने से पहले मेरा जो फर्स्ट काम रहता है वो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ। क्योंकि एक तो थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़ने से पॉजिटिविटी आता है, और दूसरा टू डू लिस्ट भी बन जाता है। बाकी तो मैं वीकली बना लेती हूँ, लेकिन हाँ डेली भी वर्क करना उस पर थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी सेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो ऐसा है कि मुझे 2 आवर्स कैसे भी सी सेट पे देना है, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करके उठी और ये यहाँ पे गाजर खा रहा था। मैं इससे थोड़ा सा बोली कि मुझे बस थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा इतना ही दे दे, लेकिन ये इंसान देखो कैसे कर रहा है, मतलब मेरे तरफ देख नहीं रहा है कि मुझे देना पड़ेगा, इतना ज़्यादा मतलब बदमाश है ये। अभी देखो कैसे करेगा ये, वो खा लेगा, फेंक देगा, लेकिन देगा बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी कर लूँ बिल्कुल नहीं देगा। अभी देखो वो क्या कर रहा है, पूरा ऐसे दांत से एकदम पकड़ लिया है वो। मेरे को ऐसे हाथ से मार रहा है कि मैं नहीं देने वाला। फिर उसके बाद उसके साथ थोड़ा सा मैं मस्ती की, और मस्ती करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ रिवर, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं ना, उसको मैं एक जगह लिख के और उसको मैं वॉल पे स्टिक कर दूँगी, ताकि थोड़ा सा लाइक रिवीजन करने में ईजी जाए। तो यहाँ पे मैं, मेरा ये डन हो गया, अभी मैं इसको वॉल पे स्टिक कर दूँगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी क्या क्या करना है। एक्चुअली अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा टारगेट लिख कर ले रही हूँ, और उसके वजह से मेरा टारगेट एट द एंड ऑफ द डे कम्प्लीट नहीं हुआ, और आज ये मैं खुद से बनाई हूँ। जंप करो तो थोड़ा, अच्छा इधर आ जाओ इधर, ये गुरु को हटा दे, देखो हटा दिए चिकू, ठीक है ठीक है, घूमी घूमी जाएंगे। नको चिकू, बदमाशी बिल्कुल नहीं, चिकू फोन टूटेगा, बदमाश गएगा पूरा। और पता है इसका फेवरेट वर्ड क्या है? चलो। और ये जो वर्ड है ना इसका, मतलब अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ मैं सीधे बोलूँगी चिकू चलो, और इतना में ये मम्मी के पास जाएगा दौड़ के, बोलेगा मम्मी को कि उसको पट्टा पहना दो, वो बॉडी का जो पट्टा होता है वो। तो मतलब ये जो इसका वर्ड है ना, इतना ज़्यादा फेवरेट है। तो अभी मैं इसको ये बोल रही हूँ ना कि मैं तुझे लेके नहीं जाऊँगी, देखो ये कैसे आ रहा है। तो बाकी मैं इसको घुमा के आई, और घुमा के आने के बाद फिर मैं यहाँ पर PYQ करना स्टार्ट कर दी, सॉरी PYQ नहीं, पॉलिटी यहाँ पे कर रही हूँ, और पॉलिटी करना स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फेस पे इचिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैं बस यहाँ पे फेस वॉश की, और फेस वॉश करने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट की। और अभी गर्मी इतना ज़्यादा यहाँ पर आ गया है ना, और मेरा हेयर बहुत ज़्यादा है, तो उसको मुझे ये जूड़ा करके रखना पड़ता है, नहीं तो फिर ऐसे पूरा फेस पे आ जाता है। और अभी का ऐसा टाइम चल रहा है ना कि शायद जिसका ड्राई स्किन होगा ना, उसके साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, कि मतलब पूरे बॉडी पे ऐसी इचिंग इचिंग, इतना ज़्यादा इचिंग हो रहा है ना कि पूछो मत। और मेरे साथ ऐसा होता है ना, मेरे को अगर थोड़ा सा इचिंग इचिंग टाइप का लगे ना, मतलब मैं पूरा एकदम ये बेचैन होता है ना, उस टाइप का हो जाती हूँ, ऐसे मेरा सर दर्द करने लगता है, मेरे को ऐसे चिड़चिड़ापन होने लगता है, गुस्सा टाइप का आने लगता है। तो इस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
तो अभी मैं जो क्रीम यूज़ करती हूँ ना लाइक वो सीटाफिल का मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है वो। आई थिंक आप लोगों को यूज़ करना चाहिए, अगर किसी का ड्राई स्किन है ना तो आप लोग यूज़ कर सकते हो उसको, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अभी मैं यहाँ पे पॉलिटी कर रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी का ऐसा है ना, ये मेरा मतलब ये जो मेरा वीक था ना पॉलिटी का, ये था मेरा पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स हाफ का, और जो मेरा नेक्स्ट वीक होगा वो होगा ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी हाफ का। तो जो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी हाफ का होगा वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि मुझे ऐसे सामने स्क्रीन पर लाइक कुछ कार्टून वगैरह तो चाहिए स्टडी करने के लिए, तो ये पांडा है ना ये मेरा बहुत ज़्यादा साथ देता है स्टडी करने में। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इसके साथ ही पढ़ाई करती हूँ। तभी मैं पॉलिटी कर रही हूँ, और पॉलिटी करने के साथ साथ मैं पॉलिटी में आज करूँगी फंडामेंटल राइट्स, DPSP, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इतना करूँगी, और इसका मैं शॉर्ट नोट्स भी बना लूँगी। एंड यहाँ पे मेरा पॉलिटी का जो 4-5 टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया, टॉपिक नहीं बोल सकते चैप्टर बोल सकते हैं, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। और मैं ज़्यादा नहीं 10-15 PYQ भी सॉल्व की, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ऐसा लगा ना कि अब मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। सो मैं गार्डन में चली गई, वहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा वॉकिंग की, और जस्ट एक मैं स्लोमो वीडियो शूट की। ये और मैं सच बताऊँ तो 6:30 के बाद मैं गार्डन में नहीं जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोची कि नहीं चलो थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं, एटलीस्ट 2-3 घंटे तो वेस्ट नहीं जाएंगे ना मेरे, तो इसलिए मैं घूमने चली गई। मम्मी के लिए दवा भी लाना था, तो मैं दवा ली और दवा लेके फटफट घर पे आ गई। घर पे आई तो मम्मी को बोली कि खाने को दे दो कुछ, मम्मी बोली कि आज खुद से बना ले। फिर मैं देखी तो फ्रिज में आलू पराठा, मैं सोची कि चलो मैं आज खुद से आलू पराठा बनाती हूँ। और आपको पता है मैं आलू पराठा 4 साल के बाद बनाई आज फर्स्ट टाइम, मतलब 4 साल पहले मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, और आई थिंक ये सेकेंड टाइम मैं बना रही हूँ आलू पराठा। तो उस टाइम तो अच्छा से नहीं बना था, और मुझे लगा भी नहीं था कि मेरे से इस टाइम भी अच्छे से बनेगा, लेकिन ये देखो अच्छा बना। बट हाँ, साइड में थोड़ा सा कच्चा रह गया था, तो कोई नहीं वो मैनेज कर सकती हूँ मैं। तो फिर मैं खाई, और कुछ भी कहो यार, खुद का बनाया तो थोड़ा सा टेस्टी लगता ही है, अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसे कंप्लेन तो नहीं करने जाएंगे।